गुड इवनिंग टू ऑल। आज जैसे कि आपको पता है, कैपिटल पुलिस हमेशा से ड्रग्स के खिलाफ बहुत ही सख्ती से पेश आने की कोशिश कर रही है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि समाज से जो ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम है और हमारे बच्चे जो ड्रग्स के एडिक्शन में चले जाते हैं, उनको हम किसी तरह से कंट्रोल करें। तो इस कंट्रोल के तहत हमने कोशिश किया कि जो ड्रग्स पेडलर्स हैं उन पे सख्ती से पेश आए। उसी बेसिस पे ऑन 7th ऑफ दिस मंथ, विच इज़ ऑन सैटरडे, वी रेडेड 5 प्लेसेस इन ऑल टुगेदर। एंड ये इसमें से कुछ गुमतीज हैं छोटे छोटे, जो कि मोपतू में हैं, 6 किलो ईटानगर में हैं, एंड देन कुछ हाउसेस भी हैं इन्हीं वेंडर्स के, जैसे बेसिकली पंचाली में है और 6 किलो में है। तो इनमें से हमने टोटल 5 किलो गांजा अलग अलग छोटे छोटे पैकेट्स में सीज किया है। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑन 7th वी सीज दीज आइटम्स। इसी से हम होप करते हैं कि जो हमारे स्मॉल पेडलर्स हैं, जो बेसिकली थ्रू गुमतीज और इस तरह से जो छोटे छोटे शॉप्स से बेचते हैं, उनके ऊपर हम और अंकुश देंगे। एंड वी विल ट्राई, वी विल डू मोर एक्टिविटीज ऑन दिस साइड। देन बेस्ड ऑन सम इंफॉर्मेशन विच वॉज बींग प्रिपेयर्ड बाय आवर SDPO एंड द टीम इन ईटानगर PS, हमें कल पता चला कि एक ड्रग डील होने वाला है। तो उसमें से हमने वर्क करके टोटल वी हैव अरेस्टेड 2 पीपल and recovered a total of 68 grams of suspected brown sugar. So you can see here, 68 grams is quite a good catch, because if you see the rates vary from place to place. In Bandardua it may be around 50,000 to 60,000 in value, but in Itanagar when it comes through the borders it becomes between 2 to 5 lakhs it can sell. So this is a very good catch, and I really congratulate the team led by SDPO Sikom, OCPS Simi, and AK Jha, who has done very good work, and also others who are involved, like driver T Sange Basar, and all the teams which are involved. इसमें हमें बहुत सपोर्ट किया है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ओली कोयू, हु इज़ ऑल्सो द नोडल ऑफिसर फॉर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इन अरुणाचल प्रदेश। सो वी अप्रिशिएट हिज सपोर्ट ऑल्सो। एंड इस कैच से हम होप करते हैं कि ऐसे जो पेडलर्स हैं, जो इजीली थ्रू द बॉर्डर्स नार्कोटिक्स ले करके यहाँ आ जाते हैं, उनको लेसन मिलेगा कि इट इज़ नॉट सो ईजी, एंड वी विल कैच यू इवेंचुअली, एंड वी विल कीप वर्किंग ऑन दिस, एंड वी होप दैट वी विल बी सक्सेसफुल इन मोर एंड मोर केसेस। नाउ टू ब्रीफ यू अबाउट द एग्जैक्ट मोडेलिटीज ऑफ हाउ द ऑपरेशन वॉज रन, आई वुड रिक्वेस्ट DSP कमदम सिकम टू स्पीक। मोटा मोटी ब्रीफ कर ही दिया आपको। ये जैसे 7 तारीख को जो हमने ऑपरेशन किया था गांजा के ऊपर, नॉर्मली कैनाबिस बोलते हैं वो, आप सब पता है आपको, बहुत दिनों से महीने से हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा था कि कई जगह में सेल करते हैं, एग्जैक्ट दुकान नहीं बताया था, और उसका जो सोर्स जो हमने 6 तारीख को लगाया था, जाके मैंने भी खुद गया था सिविल ड्रेस में जाके देखा, तो 2 दुकान में वहाँ सेल कर रहे थे। करने के बाद में यह हो गया, हमारा चाय नियर टेम्पो स्टे वहाँ पे है, और वो जगह वही दुकान से हमने कुछ 2 साल पहले भी बहुत सीज किया, वहाँ में 4 लोग अरेस्ट हुए थे, अप्रॉक्सीमेटली कुछ 170 kg के करीब हमने सीज किया था डिफरेंट लोकेशन से। तो वही दुकान से, वही घर से हमें दोबारा मिला ये चीज़। एंड द सेकेंड चीज़, मोपतू है एक दुकान, वहाँ भी सेल कर रहे थे, इसके बाद JNK स्कूल के सामने भी, उसमें भी इनपुट मिला, वहाँ भी सेल करते हैं। तो 7 तारीख के दिन में हमने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो ओली कोयू है, नोडल ऑफिसर नार्कोटिक, उसको बुलाया विद द हेल्प ऑफ हिम। हमारे टीम वहाँ जाने के बाद रेत मारा, रेत मारने के बाद जो जो लोकेशन में हमने एग्जैक्ट पिन पॉइंट किया था, उसमें एक गर्ल से मिला हमें, ये सर ने जो बताया आपको,
अप्रॉक्सीमेटली 1 किलो, जिसमें 6 to 7 पैकेट्स मिला। उसके बाद मोक्तू में हमने रेत मारा, वहाँ कुछ दुकान से मिला और वहाँ से रिवील जो किया उसका, उसके बाद हमने जो पांचाली का, पांचाली से भी कुछ किलो मिला वहाँ से, उसके घर से हमने सीज किया मजिस्ट्रेट के सामने। और एक दो दुकान में हमने फिर दोबारा रेत मारा, वहाँ नहीं मिला ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम में। और उसके बाद केस रजिस्टर्ड हुआ 7 तारीख में। फिर 8 तारीख में जो ये जो ड्रग ब्राउन शुगर का जो वो था, उसका भी हमने ट्रैप बिछा के रखा हुआ था, क्योंकि बहुत दिन से ये लॉकडाउन के समय से हमें सुन रहा था कि ये ड्रग्स जो हीरोइन ब्राउन शुगर का जो रेट मार्केट में बहुत हाई है। बीच में इतना सुनने में आ गया था कि कोई कभी 10,000 कभी 25,000 एक बाइल्स जो मार्केट हमारा बंदरदवा में 500,000 में मिलते हैं, लेकिन इधर में फ्लक्चुएशन जिसके कारण या में जो इनकमिंग नहीं हो रहा था ड्रग्स, तो उसका जो रेट्स बहुत हाई हो गया था हमें कैपिटल में। तो उसके ऊपर हमारा सोर्स हमने बिछा के रखा और एक दो ऑफिसर को डाल के रखा कि पर्टिकुलरली उसमें आप ध्यान दें। तो कैपिटल पुलिस बहुत दिन से उसके ऊपर ड्रग के ऊपर काम कर रहा है। रिसेंटली आपने भी देखा, बहुत हमने ड्रग फेडलर्स को पकड़ा और उसके बाद विथ ये जो हीरोइन है उसके साथ में पकड़ के हमने अरेस्ट किया करके, अभी जो बहुत लोग जुडिशियल कस्टडी में भी है हमारे जोलक जेल में। और रहा बात इसकी, बात उस दिन को कल की बात है, जो मेरे टीम जो है एकेजा और 2-3 बंदा मिलके हमने ये गंगा एरिया में ट्रैप बिछाया था, कि खबर मिला था वहाँ पे कि कोई बंदा डिलीवरी देने आने वाला है। तो मिलते ही हमने वहाँ पे 2-3 घंटा वेट किया, लेकिन मे बी कुछ अलर्ट उसको हुआ, उसने बोला कि पैसा देना पड़ेगा आगे तभी सामान डिलीवरी देगा। तो ऐसे करके हमने बहुत देर करने के बाद में हाई दन सीख खेला उसके पास, खेलने के बाद में लकीली हमने उसको यहाँ से बैंक नाली के वहाँ से दोनों को पकड़ के वहाँ ऑन द स्पॉट पूछा, तो उसने बताया कि सामान हमारा मोक्तू कहीं एक शिव मंदिर के आसपास रखा है, गाड़ी के अंदर में रखा है। तो सुनते ही हम वो लोकेशन में गया टीम के साथ में, जाने के बाद में वहाँ देखा तो सामान हमें दिखाई दिया। तो हमने ऑन द स्पॉट मजिस्ट्रेट को दोबारा फ़ोन किया, ये हमारा स्टेट जो नोडल ऑफिसर है नार्कोटिक ओली को सर, तो वो भी आ गया। आने के बाद हमारा जो कार्रवाई जैसे 7 तारीख में किया वही कंटिन्यू किया उसने। तो उसके अगेंस्ट भी 2 बंदा अरेस्टेड है, सर ने बताया 68 ग्राम हमने रिकवर किया, सीज किया वहाँ से, और अभी उसको पुलिस रिमांड में लिया ताकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके और उसका जो मेन जो वो लिंक है उसको पकड़ने के। हमने कल अरेस्ट किया है, उसमें 2 लड़के हैं, एक है राजू तमंग, ये 28 साल का है और ये हमारे बंदरदवा का ही रेसिडेंट है, ये नॉर्मली ट्रक चलाता है। तो इसके कहने के हिसाब से ये 3-4 महीने पहले इसने यूज़ शुरू किया है, उसके बाद से पहले वो बंदरदवा में 1-2 सप्लायर से लेता था, इसके बाद ये धीरे धीरे क्योंकि उसके ज़रूरतें बढ़ गई थी तो यहाँ में सप्लाई भी करने लगा कुछ लोगों को। इसी के चलते उसने एक सप्लायर से इस बार जो है एक बड़ा सप्लाई करने का सोचा और उसने टोटल 50 नंबर ऑफ वायल्स उससे डिमांड किया करके 50 नंबर ले करके वो जब सप्लाई करने आया था तभी यहाँ पे धर लिया गया है। उसके साथ एक एकॉम्प्लिस हमने पकड़ा है माजू रानिया, ये जो है ये तिराप डिस्ट्रिक्ट से है एंड ही इज़ ऑल्सो ए यूज़र, ये इससे कभी राजू तमांग से बीच बीच में सप्लाई लिया करता था। और इसी के चलते कल जो ऑपरेशन हुआ इसमें ही वॉज असिस्टिंग हिम इन टर्म्स ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर एंड ऑल्सो मेकिंग द डील, तो इसीलिए इन दोनों को हमने अभी अरेस्ट किया है एंड वी होप कि वी विल वर्क ऑन द सप्लाई चेन कम्प्लीटली एंड आगे करने के लिए इसीलिए हमने अभी पुलिस कस्टडी में लिया है। माजू रानिया RANGYANG, ही इज़ 27 ईयर्स ओल्ड, 28 ईयर्स ओल्ड। सर ये 28 क्यूब्स और मुगल क्या क्या आइटम मिला था बता दें। इन टोटल रिकवरीज वी हैव 50 वायल्स ऑफ ड्रग्स विच इज़ टोटल ऑफ 68 ग्राम्स नार्कोटिक्स एंड देन वी हैव 2 मोबाइल फोन्स, 1 सिरिंज, 1 बैग विच वॉज यूज फॉर कैरिंग ऑल द आइटम्स, देन वी हैव सीज द ट्रक इन विच द आइटम वॉज फाउंड and the scooty in which they were trying to make the deal. So these are the total recoveries that we have. Sir, Assam counterpart se kuch apka jo Assam counterpart se kuch baatein ho rahi hai ki jo ki routine hai usko, kyunki jo bhi illegal samaan aa raha hai wo Assam jab se aa raha hai.
वी आर ऑलवेज इन टच विद आवर काउंटर पार्ट्स इन असम. इन्वेस्टिगेशन में जहाँ भी जरूरत होता है वी टेक देयर हेल्प एज़ वेल. सर डीएसपी सर ने बताया कि फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स काफ़ी रेट्स भी हाई हुआ एंड मोर ओवर लाइक रिसेंटली एक भी लॉन्च हुआ था ड्रग फ्री अरुणाचल, उन लोगों का भी क्लोज से भी पुलिस डिपार्टमेंट के हेल्प करते, तो किस तरह से आप लोगों ये टाई अप करके या ओके ओके उसके बाद आपका ड्रग फ्री अरुणाचल ऐप के बारे में आप बात कर रहे हैं. ओके सी ड्रग फ्री अरुणाचल इज डूइंग अ गुड जॉब एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट एंड वी आर सपोर्टिंग देम इन टर्म्स ऑफ द इंफॉर्मेशन विच दे प्रोवाइड अस. वी ट्राई टू वैलिडेट इट एंड वेर एवर वी कैन वैलिडेट वी विल टेक द नेसेसरी एक्शन. ऑल्दो लाइक आई हैव ब्रीफ्ड अर्लियर ऑल्सो इट्स एट द नेसेंट स्टेज, नाउ वी आर एट द अवेयरनेस स्टेज जहाँ पे हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि ऐप को आप डाउनलोड करें उसके बाद उस पर आप कंप्लेंट डालना शुरू करें. सम कंप्लेंट्स हैव कम बट अभी तक हमें कोई कॉन्क्रीट जिस पे एक्शनेबल है वैसा अभी तक नहीं आया है. ऑल्दो वी आर ट्राइंग टू वेरीफाई ईच एंड एवरी रिपोर्ट ईच एंड एवरी कंप्लेंट दैट कम्स टू अस. हाँ इन दिस पर्टिकुलर केस वी हैव आवर ओन इन्फॉर्मेंट एंड वी हैव डेवलप्ड द सोर्स एंड अकॉर्डिंगली we have come through the sir any kind of actions be taken to the shopkeepers or the executive magistrate is already in the know, so the required action will be taken through them. And also since we have already seized the narcotic items from them, so we will be taking further action as per law. Can you inform about how many shops right now we raided five. Yeah. We had information about five locations and I'm sure it will shops. All the shop all our shops we had raided in five locations. Accordingly wherever we had got any further inputs on being on drugs being there in their residences or other storage locations, we have raided the further locations. So, ऐसे total हमने raid करके जो ये मैं cumulative बता रहा हूँ around approximately 5 किलो जो गांजा का हुआ. सर ये आप लोगों ने पांच we did a consolidated raid on various places at simultaneously because if we do at one place they have their network and they close down the shops and hide things. So we had done a, you can say, kind of simultaneous raid in all the places. And similar shops must be present in other locations. So I would request anybody who has information, such information, may kindly share with us. And we will plan and accordingly try to catch the criminals. Sir, Ganja Pakharna, uska owner ko, sorry. Yes, yes. क्या आपको लगता है कि आपके आने वाले क्या आपको लगता है कि आप इसको पूरा जीरो पेमेंट कर देगा आपने? ओके ड्रग्स इज अ यू कैन से बिगर प्रॉब्लम देन जस्ट पुलिसिंग प्रॉब्लम. So I can crack down as much as possible. However, I will need support from the overall society and our, you can say, all the wings of the society. Like we need the support of the administration for relief and rehabilitation. The medical side also we need for the addicts who are really very badly affected by this. Through which we will reduce the demands. So once the demand is reduced, I hope that the supply also will slowly reduce. And then we are always cracking down on it. You must have heard police, not just now, but before my predecessor's time also, we have been cracking down on drugs. And by and large, police has been cracking down very heavily. Not just in Capital Police, but all over Arunachal. We have focused on drugs and good catches have been done in other districts also, like Namsai, Changlang, Longding, Tirap. But what we also need is support of the overall society and public. So the NGOs also are helping out now. Through that, we have to also reduce the demand. So one thing is to try to
cut down the supply, which we are doing, and then we also need to reduce the demand through the social activities. Then we will be able to overall clean it. So I will not promise that I will clean it up everything, but from the police side, from the enforcement side, whatever needs to be done, we will definitely give our best. क्रिमिनल्स जो है, स्पेशली जो ड्रग रिलेटेड क्रिमिनल्स हैं, इसके खिलाफ हम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे एंड उनको वापस से उठने को अलाउ नहीं करेंगे।